ये बताने जा रहा हूं कि कौन सा पानी पीने लायक है कौन सा नहीं। तो हमने चार पानी लिए हैं, एक आरओ का पानी है और एक टूटी का पानी है जो सीधा मोटर से टूटी में आ रहा है, और एक दूध है और दूसरा दही। तो चलो हम शुरू करते हैं पहले आरओ के पानी से। मैं आपको ये बता देता हूं पहले, ये देखो ये दो मेरे पास दो तार है और एक बल्ब है। अगर ये जग गया तो इसका मतलब इसमें करंट है और मिनरल है, अगर नहीं जगा तो इसमें नहीं है। पहले चेक कर लेते हैं, देखो ऐसे ये बल्ब जग रहा है, इस मतलब इसमें करंट भी है और सब कुछ है। अब आपको मैं बताता हूं कि इन दोनों तारों को ये आरओ के पानी में डालकर ये डाल दी और ये बल्ब नहीं जगा, इसका मतलब ये हुआ कि आरओ के पानी में किसी प्रकार का कोई मिनरल नहीं है, कोई तत्व नहीं है, कुछ नहीं है, ये जीरो है। अब आते हैं दूसरा पानी जो मोटर का पानी है, वो सीधा ट्यूबवेल का हमारी टूटी में आ रहा है, उसको चेक करते हैं। तो देखो ये मैंने तारे डाल दी और ये जग गया बल्ब, ये बल्ब जग गया, इसका मतलब इसमें टूटी के पानी में करंट है, मिनरल है, तो ये पीने लायक है। अब तीसरा नंबर लेते हैं दूध, तो ये दूध ले लिया। अब दूध देखो ये कितना ज्यादा जग गया बल्ब, इसका मतलब इसमें कितना ज्यादा करंट है, तो ये हमें कितना जरूरी है पीना। अब तीसरे नंबर पे लेते हैं दही, तो ये दही और ये और भी ज्यादा जग गया, इसका मतलब दही में और भी ज्यादा करंट है और मिनरल है, तो ये हमें बहुत जरूरी है कि दूध और दही पीना, तो इसलिए आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए और टूटी का पानी डायरेक्ट पीना चाहिए। और जब से आरओ आया है तब से हमारे गोडे मोडे और दर्दें शुरू हो गई हैं, आज से 15-20 साल जब आरओ आया। इससे पहले जब घड़े का पानी पीते थे तो उसमें कभी हमारे कोई दर्द नहीं होता था, कभी गोडे नहीं दुखते थे, कभी कुछ नहीं होता था। तो इसलिए हम आज से ये प्रण करें कि आरओ का पानी ना पिएं और टूटी का पानी जो ट्यूबवेल का जमीन से निकलता है उस पानी को पिएं और दूध दही पर जोर दें। और यही आपकी आज की आवाज है। थैंक यू वेरी मच।